नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के बारे में। बिहार के अंचल कार्यालय में जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर हो रही भीड़ और परेशानी को देखते हुए अब प्रशासन जो है ऑनलाइन व्यवस्था पर विशेष बल दे रहा है। अब घर बैठे ही जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा विभिन्न सरकारी सेवाओं के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब देश के नागरिक विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि घर बैठे ही आधिकारिक वेबसाइट से आप बनवा सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा RTPS बिहार नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से बिहार के नागरिक घर बैठे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यह बिहार के नागरिकों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। बिहार के अंचल कार्यालयों में जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर हो रही भीड़ और फिर परेशानी को देखते हुए अब ऑनलाइन पोर्टल बनवाने की जो है बात कही गई और इस पर विशेष बल दिया गया है। अब घर बैठे ही जाति, आय और बनवाने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। बता दें कि इससे पहले आवेदन के लिए लंबी कतार लगानी पड़ती थी, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह से लागू होने के बाद से समस्या समाप्त हो जाएगी। कुछ युवाओं का कहना है कि सर्वर डाउन रहने के कारण ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदन करने और प्रमाण पत्रों के डाउनलोड करने में परेशानी होती है। इस विषय को लेकर जो है अधिकारियों ने समीक्षा करनी शुरू कर दी है और इसके बाद जो है कोई एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। आवेदन करने के लिए सर्विस ऐप डाउनलोड करना होगा, जो बनाना है उस पर क्लिक करके उसके बाद जो है विस्तृत ब्यौरा को आपको भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मोबाइल पर एक लिंक आएगा, जिस पर प्रमाण पत्र बनने के बाद क्लिक करें तो डाउनलोड भी यहां से जो है आप अपना सर्टिफिकेट कर सकते हैं। एक प्रमाण पत्र को बनने में 1 सप्ताह से 15 दिन का समय लगता है। यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समय पर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया तो संबंधित अंचल कार्यालय से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि RTPS काउंटर पर लोगों को कम जाना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। भविष्य में लोगों को 100% ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले यह जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र, इस तरह के जो प्रमाण पत्र थे वो अंचल कार्यालय से बनते थे। उसके बाद जो है सरकार ने उसे RTPS जो है सेंटर जो है वहाँ पे कर दिया, ताकि लोगों को जो है उसमें सुविधा हो बनवाने में। लेकिन वहाँ पे भी जो है भीड़ बढ़ गई। उसके बाद जो है अब सरकार की तरफ से पोर्टल जारी कर दिया गया है, जहाँ आप जो है घर बैठे ही आराम से जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र जो है आप बनवा सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।